मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ न्यू स्टॉक चैनल में। अगर आपको बंगला खरीदना है तो मैं आज आपके लिए एक ऐसे बंगले की खबर लेके आई हूँ जो कि जिसकी कीमत है 9 करोड़ रुपए, पर वो मिल रहा है सिर्फ 700 रुपए में। अभी आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, क्या होगा उस बंगले में, क्या वो भूतिया बंगला है या क्या कुछ अजीबोगरीब चीजें होती है, क्या ये सब चीजें, क्योंकि अगर ऐसा सब चीजें होती है सबसे पहले माइंड में यही आता है कि वो भूतिया बंगला है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली में उस बंगले में ऐसा क्या है जो कि सिर्फ 700 रुपए में ही मिल रहा है 9 करोड़ का बंगला। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइस, वैसे तो घर कौन नहीं लेना चाहता, और अगर छोटा सा घर हो तो भी उसको आलीशान बनाने के लिए वो हमेशा ही उसके बारे में सोचते रहते हैं कि इसको आलीशान कैसे बनाया जाए, और अगर आलीशान ही बंगला हो तो कैसा लगे। तो आलीशान इतना बंगला बड़ा हो और 9 करोड़ की उसकी कीमत हो और आप लोगों को सिर्फ 700 रुपए में मिलने के लिए हो तो क्या बात है, बहुत सुनने में ही मजा आ जाता ना। पर ये भी डर लगता है बीच में कि भाई ये क्या हो सकता है, 700 रुपए का कैसे हो सकता है और क्या उसमें भूत है, ये सब चीजें पक्का आती है माइंड में। पर मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि वो बंगलो जो है वो एक जमीन पे है जो कि एक रियल स्टेट कंपनी बेचने के लिए पिछले साल से लगाया हुआ है उसने कि ये बंगलो बिक जाए। पर जिससे जिस सरकार से उसने उस बंगलो को खरीदा था उस वक्त उन्होंने एक बॉन्ड साइन किया था कि इस बंगले को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। अभी उस जमीन पे उस रियल स्टेट कंपनी को 7 और छोटे-छोटे बंगले बनाने, मतलब कि विलास बनाने, क्योंकि वो बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, पर उसको तोड़ने का पहले ही बॉन्ड साइन कर लिया। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वो बंगलो जो है वो 700 रुपए में दिया जा रहा है, और अगर कोई भी उसको खरीदता है तो उसको खरीद के उस बंगले को या उस फर्नीचर को उठा के लेके जा सकता है या पूरे बंगले को काट के किसी और जगह पर शिफ्ट कर सकता है, पर उस बंगले को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान भी उसको उसको खरीद रहा है सिर्फ 700 रुपए में, उससे भी एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो मामला है ये बहुत ही पेचीदा है कि ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये मामला हमें अमेरिका के मॉन्टक्लेयर से आ रहा है, और ये जिसका घर है वो 100 साल वैसे तो पुराना है, और ये उसका घर है जो कि फर्स्ट टाइम FBI में ब्लैक मैन काम करता था, उसका घर है, और 2001 में उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद ये पूरा आलीशान जो घर है वो सरकार के हाथ में चला गया था, और सरकार ने रियल स्टेट कंपनी को सेल कर दिया था, और रियल स्टेट कंपनी से बॉन्ड भी साइन करवाया गया था कि इस बंगले को तोड़ा नहीं जाएगा। पर अभी रियल स्टेट कंपनी उस जमीन पर 7 विलास बनाना चाहती है, अपने बिजनेस को और बनाना चाहती है, पर कोई भी इस घर को खरीद नहीं रहा है, क्योंकि सब लोग ये चीज बोल रहे हैं कि अगर इस घर को लेके भी किसी और जगह शिफ्ट होंगे तो इतना ही बड़ा जमीन खरीदना पड़ेगा, और तो और उसको लेके जाने के लिए उससे ज्यादा डबल खर्चा आ जाएगा, इतने में तो शायद इससे भी बड़ा आलीशान बंगलो बन जाए, तो इसीलिए कोई उसको खरीद नहीं रहा। और तो और हम आपको बता दें कि जिस एरिया का ये मामला है उस एरिया को सबसे महंगा एरिया माना जाता है, सबसे महंगी जमीन वहां पर मानी जाती है, पर अभी तक कोई भी इसका दावेदार या कोई भी इसको खरीदने के लिए वहां पर पहुंचा नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू नीचे नीचे जाती है, और अभी तक वो रियल स्टेट कंपनी भी फंसी हुई है और ये बंगलो भी वहीं पे स्थित है। तो गाइज, अगर आप वहां पर होते तो क्या करते, आप ये बंगलो लेते, अगर लेते तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर नहीं लेते ये सब चीजों के बारे में सुन के तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और जानकारी अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।